हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज का दिन बच्चों के नाम, आपको पता है मैं एक दिन जो है वो बच्चों के साथ गुजारता हूँ। सो वेलकम टू माय न्यू लाइफ। हाँ भाई, चले ऊपर क्या जी? अपने छोटे छोटे बेबीज के पास जी। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। तो जैसे कि आपको पता है मैं ऊपर जाता हूँ, और ऊपर जाने के बाद अपने छोटे छोटे बेबी से मिलने, तो माशाल्लाह वो उनका वो बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि इनके का सीज़न होता है। और हमने ऐसे शुरू किया था ये, और आज देखें माशाल्लाह। ये देखें, चेक करें आप। अंदर बैठे हुए हैं, पूरा फुलफिल हो गया, फुल 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 हो गया, फुल फुल। ये छोटे हैं, रेड आई है ये, और रेड आई की बात अलग होती है। ये बच्चा देखें आप, इसके ताज है, देख रहे हैं आप, इसके ताज है, और बहुत अच्छा है ये, खूबसूरत है। मेरे माशाल्लाह सारे पेरेंट्स जो है बहुत खूबसूरत है। वो माशाल्लाह अंदर है, देखें वो निकाल लेंगे। वो नर मादा दोनों अंदर है। तो ये है, ये फेलोज हैं, इनको मुझे यार देना है, इसके इसके अलावा लेकर आऊँगा। ये जो है ना, अंडे बच्चे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वजह ये है कि मैंने आपको बताया था ये फेलोज होते हैं, ये बड़े नखरेलू होते हैं, इनके नखरे बहुत होते हैं। और अभी आहिस्ता आहिस्ता देखें, हम इस पे आए हैं कि ये देखें, पालक है, धनिया है, और ये पुदीना है, हरी प्याज है, और वो नींबू भी लगाया हुआ है। तो बस ये सीन है, और यही रूटीन है। ऊपर आता हूँ, सफाई करता हूँ, सफाई करने के बाद सारी चीज़ें हफ्ते में एक बार मैं खुद ही करता हूँ। ये वाइफ जाहिर है बहुत एक आसान नहीं है यार हर चीज़ करना, और वो सारे काम वही नहीं करती, मैं भी करता हूँ साथ साथ। तो ये चीज़ है, बाकी आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ, प्याज हो रही है महंगी, जहाँ से सस्ती मिले और लेकर, और इसको ये देखें आप इस तरह रख लें, ठीक है। और उसको रखने के बाद आप खुशकोती रहेगी ऊपर, भले आपको गीली मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो आप उठा के अपने पास रख लो, और इस तरह से उसको सुखा लो, ठीक है। बाकी ये कीनू जो है उसको इसको वेस्ट नहीं किया करो, इसके जो ऊपर के जो होता है ये छिलका होता है, ठीक है, इसको जो है वो रखा करो, और जब ये सूख जाए तो उसको पेस्ट बनाकर आप अपने फेस पर, स्किन पर, मतलब हाथों की स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होता है इसका, ना पॉजिटिव इफेक्ट आता है, ठीक है। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? हाँ, साइकिल चला रहे हो? आए चले गाइस, आज का रूटीन आपको बताते हैं। हमने एक गेम डिसाइड किया है, और क्या है बताओ? उठाया पहले मैंने उठाया तो वो मेरा हो गया, और राजा ने जो उठाया वो आजा को हो गया। ये गेम है, ये मैं फिर आप लोग को बताएंगे जब वो हम। ओह माय गॉश, भाई फुल ब्लॉगर वाली लैंग्वेज ना, मतलब फिर आप आपको बताएंगे, बाबा को देखती रहती है ना अपने, तो सीख गई है। चले गाइस, थोड़ी देर बाद आपसे मुलाकात होती है। ये है हमारी शाम की रूटीन, अभी मैं सफाई सफाई करूंगा, सफाई करने के बाद हम अपना गेम स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए आप वेट करें और देखें हम क्या करते हैं। यार कितना खूबसूरत लगता है ना ये, अभी व्यू तो नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब सनराइज यहाँ से होता है हमारे, और शाम तक जो है वो सूरज यहाँ पर होता है, बहुत क्यूट लगता है, ज़बरदस्त। ये भी इसका एक शौक है उस लड़के का, और बहुत अच्छे शौक करता है ये। कबूतरबाजी लोग बहुत गंदा समझते हैं इसको,
लेकिन यार ये भी एक शौक है, हर किसी का अपना एक शौक होता है, इसको अगर आप अच्छे उसके ऊपर करो, अच्छे स्केल पे करो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये अनएजुकेटेड पर्सन्स करते हैं, ये बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे घराने के लोग करते हैं। तो अच्छे उस पर करोगे तो पैसा भी मिलेगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप अच्छा अच्छा अर्न कर सकते हो, ठीक है। सो हर चीज़ अच्छी और बुरी होती है, लेकिन हमने इसको बड़ा अजीब वियर्ड समझा हुआ है कि यार ये बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन ये गंदी चीज़ नहीं है भाई। आप अच्छे उसके ऊपर करो, अच्छे अच्छे स्किन के ऊपर करो, तो ये बहुत अच्छा, इसने बहुत अच्छा केज बनाया हुआ अपना। मुझे नज़र तो नहीं आ रहा है यहाँ से, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ, ये देखें आप, तो पूरा बहुत बड़ा केज बनाया हुआ है और ये कर रहा है। बाकी जो हम लोग फलियाँ खाते हैं वो ये लगी हुई, चेक करें आप, हरा पड़ा हुआ है। लेकिन ये मौसम शायद, आई थिंक इसका है नहीं, इसका मौसम अब रहा नहीं। चले थोड़ी देर बाद फिर सफाई सफाई कर ले, फिर उसके बाद फिर आपसे बात होती है। अभी आप चुपचाप सुनेंगे क्या कह रहे क्या 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 आप लोग क्या बोल रहे थे, क्या क्या बताओ। अरे आपकी जान हाजिर है यार, आपकी केक छोटी छोटी सी चीज है, जान हाजिर है बच्चा। भाई ये मेरी रूटीन है, मैं इनको एक दिन इनको टाइम देता हूँ, मतलब फैमिली को तो फुल दो दिन टाइम देता हूँ, लेकिन बच्चों के लिए भी टाइम निकालता हूँ, और बच्चों के लिए यही टाइम होता है मेरा, और इसी तरह से मैं इनको एक्टिविटी में रखता हूँ, और बस यही है। अल्लाह पाक सारे बच्चों को, सब बहन भाइयों को इसी तरह मोहब्बत रहे, उनमें बरकरार रहे हमेशा। देखा ये मोहब्बत देखे आप, क्या करें, अभी थोड़ी देर में लड़ाई हो जाएगी। प्यारे लग रहे यार। चले फिर थोड़ी देर में बात होती है आपसे। हाँ भाई चले भाई, हो गया हमारा हिसाब किताब, सफाई हो गई है, अब हम नीचे जा रहे हैं। चले भाई नीचे, हाथ मुंह धो लिया है, ऑयल लगा हुआ है मेरी, ठीक है। और ऑयलिंग के अंदर जो, क्योंकि मैं एक दिन थोड़ी दिन एक दिन लगा के रखता हूँ, फिर उसके बाद नहाता हूँ, ताकि बाल नरिश हो जाए, क्योंकि बहुत खुश्की हो जाती है, सर्दी है ना तो बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है। सो छोले बनाए आज जी, काले चने, काले चने भाई, काले चने बनाए हैं, तो वो खाते। यार कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हाँ वाकई प्याज यार, वाकई यार खूबसूरत जबरदस्त लग रहे हैं, बेहतरीन। अबे यार ये बड़ा बेहतरीन, ये तुमने कब बनाए, मुझे बहुत पसंद है यार ये। बॉयल्ड है, सिंपल, और चाट मसाला डाल, हल्के से क्रिस्पी होते हैं, बड़े मजे के लगते हैं इसका। नहीं क्रिस्पी वाले नहीं है ये, अच्छा, सिंपल बॉयल्ड ही है मैंने। चलो गुड हो गया, जबरदस्त जबरदस्त, मैं भी यही खा रही थी। ओके गाइस, उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने भाई को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।